हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस. और हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, इस सीरीज में देख रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. और आज का टॉपिक है हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स के बारे में. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है आपका इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में एंड टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रखा है. तो इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स के बारे में. ओके, तो एज वी नो दैट कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ओनली आपका क्या आता है, दैट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में दो ही चीज मिलता है, जाइलम और फ्लोएम. और सबको पता है कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है यही क्या है, हम प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यूज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. अब वो चाहे फूड हो, अब चाहे मिनरल्स हो, चाहे वाटर हो, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन इसी जाइलम और फ्लोएम मतलब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम से होता है. तो अब स्पेशली अगर हम करें डिस्कस करें कि भाई ये जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसके टाइप पे जाते हैं कि कितने तरह का होता है. तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है आपका तीन तरह का होता है. तो यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स कितना होता है, ये आपका थ्री टाइप्स का होता है. इसमें थ्री टाइप्स का होता है. कौन कौन सा है तुम्हारा, तो पहला हो गया आपका रेडियल वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स, सॉरी रेडियल वैस्कुलर बंडल्स, दूसरा कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स और तीसरा कॉन्सेंट्रिक आपका वैस्कुलर बंडल्स, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स. तो तीन टोटल यहाँ पे हैं. अच्छा, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, बंडल. व्हाट डू मीन बंडल्स, तो यहाँ पे जो जाइलम है और फ्लोएम है या तो अलग अलग बंडल्स के फॉर्म में रहते हैं, एक साथ मतलब रहते हैं, बाकी अदर जो भी पेरेन्काइमेटा या स्क्लेरेन्काइमेटस जो भी सेल्स हैं वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है. तो ये जो है ये बंडल्स के फॉर्म में रहता है, तो इसलिए यहाँ पे बंडल वर्ड यूज कर रहा हूँ. अब रेडियल वैस्कुलर बंडल जो है उसमें क्या है, आपका जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होता है, लेकिन अगर जैसे वर्ड यूज करते हैं कॉन्जॉइंट्स, तो दैट मीन्स क्या हो गया, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल के रहेंगे एक बंडल्स के फॉर्म में. और कॉन्सेंट्रिक्स का मतलब हो गया क्या तुम्हारा, इसमें भी जाइलम फ्लोएम मिल के रहेंगे, बट ये आपका सर्कुलरली अरेंज्ड होता है आपका, ठीक है ना, मतलब जैसे सेंटर में हो गया जाइलम और पेरिफेरल्स पार्ट में हो गया फ्लोएम, या उल्टा भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना. तो ये इसलिए बंडल वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं. तो एक एक करके देखते हैं इसमें थ्री टाइप में. तो पहला आपका रेडियल वैस्कुलर बंडल, ठीक है. तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स. तो रेडियल वैस्कुलर बंडल में सबसे पहले बात याद रखना है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यू हैं वो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं, सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और इसमें जो वैस्कुलर बंडल है वो क्या करता है, वो डिफरेंट वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करता है, दैट फॉर्म द डिफरेंट वैस्कुलर बंडल्स. और तीसरा बात इसमें याद रखना है हम लोग इसमें कि ये जो जैसे जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अल्टरनेटली अरेंज होते हैं. और क्या बोला इसमें, अल्टरनेटली अरेंज होते हैं. और क्या बोला इसमें कि ये अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सारा पॉइंट्स इसमें हम लोगों का क्लियर हो जाएगा. तो पहला जैसे देखो ये एक वैस्कुलर बंडल्स बना रहा हूं मैं इसमें, यहाँ पे ये और ये पार्ट इसमें बना लिया मैंने, मान लिया ये है जाइलम, ये है जाइलम, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही हो गया है, कोई बात नहीं. दूसरा इसमें ये बना दे रहा हूं मैं यहां पे, ये है आपका ये हो गया आपका फ्लोएम. तो जाइलम और फ्लोएम क्या है यहां पे देखो, सेपरेट है इसमें. पहला पॉइंट क्या हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो सेपरेटली प्रेजेंट है, ठीक है. जाइलम एंड फ्लोएम वो क्या है आपका, सेपरेटली प्रेजेंट है, ठीक है, सेपरेटली प्रेजेंट है. दूसरा क्या बोला इसमें कि दे फॉर्म द डिफरेंट वैस्कुलर बंडल, फॉर्म डिफरेंट वैस्कुलर बंडल्स. और इसमें क्या होता है,
दे प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडियाई एंड जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं ऑल्टरनेटली एक दूसरे के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, प्रेजेंट ऑल्टरनेटली एट डिफरेंट रेडियाई, डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। अब आता है कि भाई ये जो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहां से मिलेगा, सिंपल रेडियल से, आर से रेडियल और आर से क्या होता है रूट, तो ये रूट में मिलता है। अब रूट चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट प्लांट का हो, ठीक है। तो मोनोकोट्स में और डाइकोट्स दोनों में क्या मिलेगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल इसमें क्या है, जाइलम फ्लोएम दोनों क्या होता है एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम जॉइंट टुगेदर फॉर्मिंग वन वेस्कुलर बंडल्स, ध्यान में रखना इसमें जाइलम एंड फ्लोएम जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म सिंगल वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, सिंगल वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। अब अगर देखें कि इसका टाइप कितना है तो ये भी फर्दर क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। अब ये टू टाइप्स में क्या है देखो यहां पे तो टू टाइप्स में एक होता है आपका कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स और एक होता है बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स। कोलेटरल्स का मतलब हो गया देखो इसमें जाइलम फ्लोएम मिलके रह रहे हैं तो ये मैंने एक बना दिया जाइलम फ्लोएम्स का, इस तरह से बंडल्स का फॉर्म में बना दिया इसमें, ठीक है। अब इस बंडल्स में ये बंडल बना दिया, अब इस बंडल में एक साइड मतलब ये आउटर साइड क्या हो गया, आउटर साइड है, ठीक है, आउटर साइड क्या हो गया यहां पे, ये है आपका जाइलम और इनर साइड, ये सारा इनर साइड हो गया, तो इनर साइड क्या है आपका फ्लोएम, ठीक है। और इन दोनों के बीच में देखो यहां पे इस जगह पे देख सकते हैं तो इन दोनों के बीच में यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ये कैम्बियम प्रेजेंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता बट ये दोनों मिलके रहते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है कोलेटरल्स। बाइकोलेटरल्स में क्या है, बाइकोलेटरल्स में देखो तो बाइकोलेटरल्स में यहां पे जाइलम और फ्लोएम्स क्या है, ये दोनों भी क्या है यहां पे मिलके है, लेकिन यहां पे क्या है देखो आउटर साइड यहां पे क्या है जाइलम है, यहां पे इनर साइड क्या है, यहां पे इनर साइड, ये इनर साइड रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, इनर साइड भी क्या है यहां पे जाइलम ही है और बीच में यहां पे क्या है आपका ये फ्लोएम है, ठीक है, और यहां पे बीच में यहां पे प्रेजेंट है आपका वही कैम्बियम, यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है आपका कैम्बियम, ठीक है, तो ये कैम्बियम यहां पे भी प्रेजेंट है, क्लियर है। तो यहां पे दोनों साइड प्रेजेंट होता है जाइलम फ्लोएम, तो इसको हम लोग क्या बोला बाई कोलेटरल्स वर्ड देते हैं, तो ये बाई कोलेटरल्स है और कोलेटरल्स का मतलब क्या हो गया, इसमें सिर्फ एक ही साइड क्या होता है जाइलम और दूसरा साइड क्या होता है फ्लोएम, तो ये याद रखना आउटर जाइलम और इनर फ्लोएम। अब आते हैं यहां पे कैम्बियम, जैसे मैं बोला था हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो अगर मान लो कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे इस कोलेटरल्स को हम लोग फिर से डिवाइड कर सकते हैं, किसमें ओपन और क्लोज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओपन और क्लोज में डिवाइड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं कोलेटरल जो है फर्दर दो तरह का होता है, मतलब ये कोलेटरल जो है ये फर्दर दो तरह का होता है, एक हो गया ओपन टाइप और एक हो गया क्लोज टाइप्स, ठीक है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन का मतलब इसमें सीधा सीधा है कि इसमें क्या है आपका कैम्बियम प्रेजेंट होता है, क्या होता है कैम्बियम प्रेजेंट, और क्लोज का मतलब क्या हो गया यहां पे कैम्बियम जो है इस वेस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या होना चाहिए
absent होना चाहिए, cambium क्या हो गया यहाँ पे, absent. और एक चीज और है क्लोज के लिए कि अगर cambium present है तो समझ लेना definitely इसमें क्या होगा, secondary growth, secondary growth occur. बट यहां पे क्या होता है, secondary growth जो है आपका ये absent होता है, secondary growth इसमें absent होता है. ठीक है, तो ये तो रहा भाई collaterals में, open collaterals और close collaterals. अब आते हैं हम लोग examples पे. ठीक है, examples के बारे में. ठीक है, examples के बारे में. तो examples में यहां पे ध्यान से देखते हैं. ठीक है, examples को लेके थोड़ा सा यहां पे है कुछ नहीं, तो यहां पे भी एक memory है, common sense लगाते हैं. देखो, root radical vascular bundles, बाकी क्या बना, stem और leaf. तो stem में conjoint होता है, stem में क्या होता है, conjoint होता है, और leaf में भी क्या होता है, conjoints. अब आता है थोड़ा सा difference करेंगे monocot और dicots में. ठीक है, तो देखो यहाँ पे stem में, stem में क्या होता है, secondary growth होता है. तो यहाँ पे dicot stem लिख देते हैं, dicot stem. तो dicot stem में open collateral type conjoint vascular bundle present होता है. साथ में एक और example इसमें याद कर सकते हैं, gymnosperms. तो gymnosperms में भी cambium present होता है, उनमें भी secondary growth होता है. तो gymnosperms इधर आ जाओ, तो यहां अब क्या बचा, dicot stem आ गया. तो that means यहां पे लिख देंगे हम लोग monocot stem, और यहां पे देखो dicot और monocot leaves बच गया, leaves. तो उनमें कैसा होता है, क्लोज कोलेटरल, कोलेटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है. और ये बाई कोलेटरल स्पेशल केस है, तो ये स्पेशली दो ही प्लांट ग्रुप है जिनमें, फैमिली जिनमें ये प्रेजेंट होता है. एक तो हो गया आपका कुकर बिटेसी फैमिली, और एक है आपका सोलानेसी फैमिली. ठीक है ना, सोलानेशी फैमिली. तो दो फैमिली में मिलता है, कुकरबिटेसिस और सोलानेसिस में बाइकोलेटरल्स मिलता है. तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं. देखो, डाइकोट या मोनोकोट रूट अगर लेते हैं तो रेडिकल वेस्कुलर बंडल्स, कंजॉइंट्स में कोलेटरल अगर लेते हैं तो ओपन कोलेटरल और क्लोज कोलेटरल. तो ओपन कोलेटरल्स में क्या होगा आपका, डाइकोट स्टेम जिम्नोस्पर्म्स, और क्लोज कोलेटरल कोलेटरल्स में क्या होगा आपका, मोनोकोट स्टेम और मोनोकोट एंड डाइकोट लीप्स हो जाएगा. और बाइकोलेटरल्स अगर लेते हैं कंजॉइंट्स में तो वहां पे दो ही फैमिली बोला मैंने, कुकरबिटेसिस और सोलानेसिस फैमिलीज. ठीक है, एक और बच गया इसमें आपका है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स. फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स. तो कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल ये थोड़ा स्पेशल है, और देखो सारा रूट स्टेम लीप तो हो ही चुका है, तो बचा कुछ फैमिलीज बचे हुए हैं, और स्पेशली जैसे एक टेरिडोफाइट्स बचा हुआ है, तो उसमें बस हमें दो एग्जांपल्स बताना है. तो कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, कॉन्सेंट्रिक जैसे नाम होता ना, सर्कल्स के अंदर एक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक. ठीक है, तो इसी चीज को आता है, सर्किल के अंदर एक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक्स. तो इस वेस्कुलर बंडल्स में क्या होता है कि वन वेस्कुलर बंडल कोर में सेंटर में प्रेजेंट होता है, और दूसरा वेस्कुलर बंडल कहाँ होता है, अदर वेस्कुलर बंडल, ये सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो एक अंदर कोर में और एक सराउंडिंग में होता है, तो दो जगह पे लोकेटेड होता है आपका. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल है ये भी दो तरह का होता है. कॉन्सेंट्रिक ये भी कैसा हो गया, दो तरह का. ये डिपेंड करता है कि सेंटर में क्या है या पेरिफेरल पार्ट में क्या है. तो जैसे एक होता है एम्फीक्राइबल. ठीक है, पहला क्या है आपका एम्फीक्राइबल्स. ठीक है ना, और एक है एम्फी वेसल. ठीक है, एक है एम्फी बेसल्स, एम्फीक्राइबल्स और एम्फी बेसल. अच्छा, इसका एक और नाम है, तो एम्फीक्राइबल्स दैट मींस इसमें सेंटर में क्या होता है, जाइलम. और जाइलम का एक दूसरा नाम हेडरोम था, तो हेडरोसेंट्रिक इसको बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, हेडरोसेंट्रिक बोल सकते हैं, हेडरोसेंट्रिक्स. और एक दूसरा होता है इसमें फ्लोएम अंदर होता है, तो लेप्टोम नाम था इसका, तो लेप्टोसेंट्रिक. इसको क्या बोल सकते हैं, लेप्टोसेंट्रिक बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, लेप्टो
सेंट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बना के थोड़ा सा सिंपल सा डायग्राम बना के समझ सकते हैं। देखो ये हो गया जैसे मान लेते हैं वैस्कुलर बंडल्स, तो इसके सेंटर में क्या बोला क्या है हेडरॉम, मतलब क्या है जाइलम, और इसके पेरिफेरल्स पार्ट्स में क्या है इस तरह से यहाँ पे फ्लोएम हो गया, ये सब क्या हो गया फ्लोएम पार्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो सेंटर में क्या है, यहाँ पे सेंटर में क्या है जाइलम, और पेरिफेरल्स पार्ट्स में क्या है ये है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम्स। इसमें इसका उल्टा कर देना है, यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में क्या होता है आपका फ्लोएम होता है, तो ये सेंट्रल पार्ट में बना दूंगा मैं, ये क्या है आपका फ्लोएम, और पेरिफेरल्स पार्ट्स में क्या होता है, पेरिफेरल्स पार्ट्स में इस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्या होता है जाइलम, जाइलम, ठीक है ना, जाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको बोला हम लोगों ने एम्फीबेसल या लेप्टोसेंट्रिक्स, और एम्फीसेराइकल इसको हाइड्रोसेंट्रिक्स हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। अब एग्जांपल्स, एक एक एग्जांपल इसमें है, याद कर लेना, इसी एग्जांपल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आना है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता है। एम्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एम्स वाले जो लोग भी देख रहे हैं वो केयरफुली इसको नोट कर लेंगे। इसमें इसमें हो गया फॉन्ट्स, फॉन्ट्स मतलब क्या हो गया आपका टेरिडो फाइट्स, ठीक है ना, टेरिडो फाइट्स के मेंबर्स में मिलता, और इसमें एक ही मोनोकोट है, और उस प्लांट्स का नाम है योका प्लांट हो गया, ये एक तरह का क्या है मोनोकोट प्लांट्स होता है इसमें, ठीक है। तो मोनोकोट प्लांट्स में ये मिलेगा हमारा, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और ये हम लोगों का टिश्यू सिस्टम जो पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे विथ एनाटॉमी ऑफ रूट के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो शुरू से अभी तक सारा चीज देख ले और नोट्स बना के उसको एक बार रिवाइज करें, तब उसके बाद हम लोग मिलेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो, दैट मीन्स एनाटॉमी ऑफ रूट में। तो एनाटॉमी रूट स्टेम और लीफ जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में टिश्यू सिस्टम समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिनको बहुत ज्यादा परेशानी होता है कि भाई ये एनाटॉमी रूट का कैसे याद करें या इसका कैसे याद करें, तो मैं कंपेरेटिवली मोनोकोट और डाइकोट का कंपेरेटिवली स्ट्रक्चर्स बनाता चला जाऊंगा और उसमें बताता चला जाऊंगा, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ओके ओके गाइज। तो आज के लिए इतना ही, अगर मेरे इस वीडियो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और सब्सक्रिप्शंस के बाद वहाँ पे एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है ना, तो बिना लेट किए हुए आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतना कहते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।